Welcome to Digi School. Dear student, today we are going to solve chapter 2 of class 9, and in this we are solving exercise 2.1 question 1. Question 1 mein question hai, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. So इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपको बताऊं. ऑल एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग होल नंबर एज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड पॉलीनोमियल्स. सो अभी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको. ये एग्जांपल है केवल आपकी बेसिक्स क्लियर करने के लिए. एग्जांपल में मैं इसीलिए आपको एग्जांपल लिख के दे रहा हूं. सपोज ये 2x³ + 3y² + 4z + 7. अब इसमें ये आपका पॉलीनोमियल होगा. इसमें जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कहलाता है कांस्टेंट. ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता किसी एक पॉलीनोमियल में. और ये कहलाता है आपका, ये आपका हो गया, ये है आपका वेरिएबल. ठीक है. अब इसमें आप देखोगे, इसमें वेरिएबल एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है. तो इसके अंदर थ्री वेरिएबल्स है. तो ये पॉलीनोमियल विद थ्री वेरिएबल्स. अगर किसी पॉलीनोमियल में सारे एक्स ही रहोगे तो वो हो जाएगा पॉलीनोमियल विद वन वेरिएबल. एक पॉलीनोमियल जिसमें दो वेरिएबल्स हो, एक्स वाई, तो पॉलीनोमियल विद टू वेरिएबल्स. एंड इसके अंदर तीन वेरिएबल्स हो तो तीनों आपको पॉलीनोमियल विथ थ्री वेरिएबल्स कहलाएंगे. तो ये सारे के सारे जो ये है, ये मैं केवल बेसिक्स समझाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि अब ये बताने के बाद आपको बेसिक्स क्लियर रहेंगे और आपका क्वेश्चन करीब करीब समझ लो सॉल्व सही हो गया. इसके अंदर मैं केवल फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ. और जो पॉलीनोमियल के अंदर कंडीशन होती है, जो ये एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर होना चाहिए इसके अंदर. ना तो ये माइनस फॉर्म में होना चाहिए, ये रूट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वन फ्रैक्शनल फॉर्म में ना हो और माइनस फॉर्म में ना हो. तब जैसे अब चलो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन 2.1 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं. और अब आप इसको देखिए, मेरे लिए बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं लिख रहा हूँ इसमें 4x² - 3x + 7. मेरा वीडियो हो सकता थोड़ा सा लंबा हो, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जैसे मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ आपके सामने. तो ये देखिए, इसके अंदर जो ये वाला कंपोनेंट है वेरिएबल, ये कॉमन है, एक्स है. तो ये एक पॉली, और इसमें जो ये नंबर है 2 है ये, और इधर हम एक्स को ये 1 लिख सकते हैं, ये 1 लिखो या 3x लिखो. और इस तरीके से ये नंबर क्या है, ये आपका एक पॉलीनोमियल विथ वन वेरिएबल है. सो हम इसको, आपके समझ में आ गया होगा, तो इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं, देयर इज ओनली वन वेरिएबल वेरिएबल एक्स विथ होल नंबर
फोन नंबर रोल नंबर एस पावर, ठीक है। सो दिस इज अ पॉलीनोमियल विथ एन वन वेरिएबल। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब अपन सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो है सेकेंड पार्ट में जो आपका क्वेश्चन है वो है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर हमारे को जो कंसर्न होता है वो इस वेरिएबल से होता है। ये सिंगल अंडर रूट टू, ये कंफ्यूज ना हो, इसका कोई रोल नहीं है ये डिसाइड करने में ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। वाई वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, इस पे पावर एक्सपोनेंशियल पावर टू है। सो ये भी एक ही वेरिएबल होने के कारण ये जो आपका हमारा क्वेश्चन है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल सेटिस्फाई करता है। तो आंसर इसको आप लिख सकते हैं देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, ठीक है, विथ होल नंबर एस पावर। सो होल नंबर एज पावर है। सो दिस इज अ सो दिस इज अ दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आपको समझ में आ गया होगा कितना इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा और थोड़े से जो क्वेश्चन है थ्री अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट टू। सो आप लोग जानते हैं कि हम किसी भी अंडर रूट अगर ए हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए वन अपॉन टू। सो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं थ्री टी वन अपॉन टू प्लस
टी अंडर रूट टू। अब ये जो एक्सपोनेंशियल नंबर है, ये पावर है, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसके अंदर एक वेरिएबल तो है, वन वेरिएबल है टी, बट इसका पावर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। सो हम इसके आंसर में लिख देंगे, देयर इज ओनली वन वेरिएबल दैट इज टी, बट पावर ऑफ टी इज वन बाई टू विच इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलीम, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पार्ट सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट भी इजी है, इसमें भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और मैं समझाने के लिए हूँ। इसके अंदर y लिखा है, y प्लस टू अपॉन y। अब आपने देखा होगा अगर कोई नंबर है वन अपॉन a अगर है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, a माइनस वन। सो इसको हम फर्दर कैसे लिख देंगे, y प्लस टू y पावर माइनस वन। सो ये जो पावर है ये माइनस वन है, विच इज़ नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल। सो हम इसके अंदर लिखेंगे आंसर, इसके अंदर वेरिएबल तो वन है, देयर there is only one variable y, but power of y is minus 1 which is not a whole number, so it is not a polynomial. अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको उसके बेसिक रीजन के साथ समझाऊंगा। अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में ये x रेज टू पावर 10 प्लस y रेज टू पावर 3 प्लस t रेज टू पावर 50। अब देखो इसके अंदर ये एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल इसमें है y, एंड तीसरा वेरिएबल इसमें t।
तो ये पॉलिनोमियल है बट विथ थ्री वेरिएबल्स, और वी हमारे पास क्वेश्चन है विच आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, विच एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज अ पॉलिनोमियल. तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल. So it is not a polynomial in one variable. So बच्चों ये हमने क्वेश्चन वन सॉल्व कर दिया. इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में लिख सकते हैं और हम आपके क्वेरीज़ को यूट्यूब फॉर्म में रिप्लाई करते हैं और हम आपका नाम भी मेंशन करते हैं जिससे आपको वो आपके डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग डीजी स्कूल वीडियो.